वेलकम एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम। सब्जेक्ट हमारे पास केमिस्ट्री है, क्लास फर्स्ट ईयर है। टॉपिक हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन एंड टाइप से, चैप्टर हमारे पास थर्ड है और ये हमारे पास लेक्चर टू है। लेक्चर टू में ये पार्ट टू है। हम ऑलरेडी हाइब्रिडाइजेशन, उसकी डिफिनीशन, उसकी एक टाइप SP3 हाइब्रिडाइजेशन हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो इसमें जो बाकी हिस्सा बचता है वो हमारे पास क्या है, SP2 हाइब्रिडाइजेशन। तो एज फ्रॉम द नेम इंडिकेशन, SP2 हाइब्रिडाइजेशन में हम एक S एटॉमिक ऑर्बिटल लेंगे और 2P एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ डिफरेंट शेप एंड एनर्जी हम ये लेंगे और उसको मिक्स करेंगे। और रिजल्टेंट में जो ऑर्बिटल हमारे पास, मिक्सिंग के बाद जो ऑर्बिटल हमारे पास आएंगे उसको हम क्या कहेंगे, SP2 हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड द फिनोमेना इज कॉल्ड SP2 हाइब्रिडाइजेशन। यही डेफिनेशन मैंने बोर्ड पर डिस्प्ले किया है। किस तरह हम इसको डिफाइन करेंगे, द फिनोमेना इन विच 1s एंड 2p एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट शेप एंड एनर्जी आर मिक्स टुगेदर एंड वी गेट ऑर्बिटल ऑफ सेम एनर्जी एंड शेप। द ऑर्बिटल आर कॉल्ड SP2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एंड द फिनोमेना इज कॉल्ड SP2 हाइब्रिडाइजेशन। SP2 हाइब्रिडाइजेशन में बहुत सारे एग्जांपल हमारे पास आते हैं, लेकिन बुक के लेवल के मुताबिक हमारा हम क्या डिस्कस करेंगे, हम एल्कीन को डिस्कस करेंगे एज अ फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्कीन। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारे पास C2H4 है। इसमें हमारे पास कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है और ये उसकी इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन है, 1s2, 2s2 एंड 2p2। ये हमारे पास केशन है, ये एलशन है। केशन एनर्शन है, ये बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा नहीं लेगा। वैलेंशन हमारे पास 2s2 एंड 2p2 है हमारे पास। अब देखें 2s2 में 2 इलेक्ट्रॉन है एंड 2p2 में हमारे पास 2px, 2py और 2pz ऑर्बिटल आते हैं। 2px में हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन है, मीन्स हाफ पेन है, और 2py भी हाफ पेन है। तो हमारे पास 2 हाफ पेन ऑर्बिटल और 1 कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल ये बन गया। अब विद द हेल्प ऑफ एनर्जी, इस इलेक्ट्रॉनिक कंफिगुरेशन को हम क्या कहेंगे, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कंफिगुरेशन ऑफ कार्बन कहेंगे। अब अगर हम ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कंफिगुरेशन, इस इलेक्ट्रॉनिक कंफिगुरेशन को देखें तो इसके मुताबिक हमारे पास क्या होता है, कार्बन इज डाइवेलेंट इन नेचर। मतलब ये है कि कार्बन 2 बॉन्ड बना सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। नेचर में हम जितने भी कंपाउंड ऑफ कार्बन उठाते हैं तो उसमें कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए होते हैं, उसमें कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए होते हैं। तो किस तरह बनाएंगे इसको, हाइब्रिडाइजेशन एक्सप्लेन करता है। विद द हेल्प ऑफ एनर्जी, 1 इलेक्ट्रॉन विल बी प्रमोटेड फ्रॉम 2s2 ऑर्बिटल टू 2pz ऑर्बिटल। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक कंफिगुरेशन या ऑर्बिटल की जो इलेक्ट्रॉनिक कंफिगुरेशन वो इस तरह हो जाएगी, 2s में 1 इलेक्ट्रॉन, 2px में 1 इलेक्ट्रॉन, 2py में 1 इलेक्ट्रॉन और 2pz में 1 इलेक्ट्रॉन। और इस स्टेट को हम क्या कहेंगे, एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। ये कार्बन का एक्साइटेड स्टेट है, जो चूंकि एक्साइटेड मतलब एंग्री होना, जब वो एंग्री बंदा एंग्री हो जाता है तो उसकी एनर्जी लेवल क्या हो जाती है, ये हाई हो जाती है। तो इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। अब एज फ्रॉम द नेम इंडिकेशन हम एक एस लेंगे और 2p एटॉमिक ऑर्बिटल लेंगे, तो ये हमारे पास 1s हो गया और 2p, इसको हम मिक्स करेंगे। मिक्सिंग के बाद जो ऑर्बिटल हमारे पास बन जाएंगे उसको हम क्या कहेंगे, SP2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। जब मैं इसको मिक्स करता हूँ तो फाइनली हमारे पास SP2 ये हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया, SP2 ये भी हाइब्रिड और SP2 ये भी हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया। और 2pz चूंकि इसने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया इसलिए ये इट विल रिमेन अनहाइब्रिड, दैट विल बी कॉल्ड 2pz। अब हमारे पास कितने टोटल SP2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए, 3 हमारे पास। अगर हम इस डायग्राम की ऑब्जर्वेशन करें तो ये कार्बन है, इसका एक SP2 हाइब्रिड ऑर्बिटल और ये इसका दूसरा SP2 हाइब्रिड ऑर्बिटल और ये इसका तीसरा SP2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। और जो अन हाइब्रिड हमारे पास बचता है वो हमारे पास क्या है, 2pz है। तो 2pz हम इधर ड्रा करेंगे, ठीक है हमारे पास। अब देखें हम ये ईथीन में हमारे पास 2 कार्बन है, ऑब्जर्वेशन कर ले इस मॉलिक्यूल की, तो 2 कार्बन, एक कार्बन का इसी तरह हमारे पास SP2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएंगे। सिमिलरली दूसरे कार्बन का भी इसी तरह हमारे पास क्या बन जाएंगे, SP2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, उसके पास 3 होंगे और एक हमारे पास 2pz अनहाइब्रिड। तो ये हमारे पास एक कार्बन है, ये हमारे पास दूसरा कार्बन है। अब देखिए एक कार्बन के पास कितने SP2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, 1, 2 एंड 3 और
पास कितने अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है, तो 2pz हमारे पास ये अनहाइब्रिड है। ये जो परपेंडिकुलर आपको दिखाई देता है ये 2pz अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है। इसी तरह इस कार्बन के लिए भी एग्जैक्ट यही सूरत हाल होगी। अब देखिए इस कार्बन के लिए कितने sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, 1 2 एंड 3, और एक ऑर्बिटल जो कि अनहाइब्रिड है वो हमारे पास क्या है, 2pz। ये परपेंडिकुलर जो आपको दिखाई देता है ये 2pz अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है। अब इस अनहाइब्रिड ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2pz अनहाइब्रिड ऑर्बिटल और ये 2pz अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, ये साइड वाइज ओवरलैपिंग करेगा और हमारे पास कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, 5 बॉन्ड, जो कि काफी कमजोर बॉन्ड होती है सिग्मा बॉन्ड के मुकाबले में। इसी तरह हमारे पास जो sp2 और sp2 ये हेड एंड ओवरलैप करेगा, हेड टू हेड ओवरलैप करेगा ये सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। अब देखिए हमारे पास कितने बॉन्ड, हमारे पास सिग्मा बॉन्ड हो गए 1 2 3 4 5 हमारे पास सिग्मा बॉन्ड हो गए, और कितने पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड हमारे पास आ गया। हमने पाई बॉन्ड की प्रॉब, चूंकि इलेक्ट्रॉन ये स्टेशनरी नहीं है, ये मोशन करता है ऑर्बिटल में, तो अगर हम इलेक्ट्रॉन एज्यूम कर ले यहाँ पर 2pz पे जो अनफेयर इलेक्ट्रॉन है, अगर हम उसको यहाँ पर एज्यूम कर ले तो यहाँ पर 5 बॉन्ड बनेगा। अगर इलेक्ट्रॉन को हम इधर एज्यूम कर ले तो फिर पाई बॉन्ड इधर बनेगा, तो पाई बॉन्ड की जो प्रोबेबिलिटी है वो 50% अबाउ द प्लेन है और 50% बिलो द प्लेन है। ये हमारे पास ईथीन का स्ट्रक्चर फाइनली बन गया, ये उसका स्ट्रक्चर है, और ये अगर हम ऑर्बिटल को शो ना करें सिर्फ बॉन्ड को शो कर दें तो हमारे पास इस तरह स्ट्रक्चर बन जाएगा। अदर एग्जांपल, ये इसमें सिर्फ नहीं होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ईथीन में सिर्फ नहीं होता, बहुत सारे और भी मॉलिक्यूल है हमारे पास, जैसे कि हमारे पास अदर एग्जांपल में है पीएच2 में बोरान की जो हाइब्रिडाइजेशन है, ये हमारे पास sp2 है। AlCl3 में एल्यूमिनियम की जो हाइब्रिडाइजेशन है यहाँ पर sp2 है। इसी तरह C3H6 में जो कि ईथीन है, लेकिन याद रखें जो ये वही कार्बन हमारे पास sp2 हाइब्रिड होगी जिस पर डबल बॉन्ड हो। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ईथीन है, अगर हम प्रोटीन में देंगे तो 1, 2 एंड 3, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर CH2 और यहाँ पर हमारे पास H और यहाँ पर H3C बन जाएगा। तो ये इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, ये sp3 होगी, लेकिन इस कार्बन की, ये वाले कार्बन और ये वाले कार्बन, इसकी हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास क्या बन जाएगी, ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन बन जाएगी। इसी तरह हमारे पास ब्यूटीन में भी और पेंटीन में भी जितने भी हमारे पास अल्कीन है और उस अल्कीन में जो डबल बॉन्ड है, जो डुबली कार्बन है, उसकी हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास क्या होगी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। नेक्स्ट हमारे पास sp हाइब्रिडाइजेशन, वही हमारे पास वही डिफिनेशन होगा, लेकिन इस स्लाइडली मॉडिफिकेशन हम इसमें करेंगे। sp हाइब्रिडाइजेशन इज फ्रॉम द नेम इंडिकेशन, 1s और 1p एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ डिफरेंट शेप एंड एनर्जी, इसको हम मिक्स करेंगे, जो ऑर्बिटल हमारे पास आ जाएंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल इन द फिनोमेना इज कॉल्ड sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन टिपिकली एग्जांपल हमारे पास इथाइन है, इथाइन का मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H2 है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अगेन सेम टू सेम हमारे पास sp2 और sp3 की तरह आता है। ये हमारे पास कार्बन है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अगेन 2s से हम दहन पाबिलिटी में इलेक्ट्रॉन प्रमोट करेंगे 2pz में। अब sp में हमारे पास 1s और 1p ये हम मिक्स करते हैं, तो ये हमारे पास 1s और 1p ये इसको हम मिक्स करेंगे, तो हमारे पास जो ऑर्बिटल आएंगे ये हमारे पास 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल आ जाएंगे, तो इस तरह हमारे पास बन जाएगा। अब देखिए इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 1, ये भी sp हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया और ये भी sp हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया, और ये हमारे पास 2py है, 2py x will remain unhybrid, और ये हमारे पास 2pz है, तो x will remain unhybrid 2pz ऑर्बिटल। तो अब अगेन हमारे पास क्या सिचुएशन बन जाएगी, अब इस कार्बन के लिए हमारे पास, इसके पास कितने
हाइब्रिड ऑर्बिटल है दो है, एक ये है और एक ये है। अनहाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हैं? तो ये y एक्सिस है 2py, ये अनहाइब्रिड है, और 2pz ये z एक्सिस है, क्योंकि z एक्सिस इसको मैं इस तरह ड्रा करूंगा। तो ये हमारे पास भी 2pz हमारे पास क्या है, ये भी अनहाइब्रिड है। अब इस कार्बन का एग्जैक्ट, इस कार्बन का जो हमने ये डायग्राम ड्रा किया एग्जैक्टली इसी तरह दूसरे कार्बन के लिए भी होगा। तो ये हमारे पास एक कार्बन हो गया, इस डायग्राम मैंने ऑलरेडी बनाया है, ये एक कार्बन है, ये उसका sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये दूसरा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है, और ये 2py अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है, और ये 2pz अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है। अब ये दूसरे कार्बन की भी इस तरह इलेक्ट्रॉनिक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल होगी। ये देखिए ये भी हमारे पास दूसरे कार्बन के लिए sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये दूसरा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है, और ये हमारे पास 2py, ये हमारे पास 2py अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है, और ये हमारे पास 2pz अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है। अब चूंकि इस हाइब्रिड ऑर्बिटल में sp और s के साथ हाइड्रोजन के s के साथ हेडर ओवरलैप करेगा और हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बनेगा, इस कार्बन का sp और इस कार्बन का sp आपस में हेडर ओवरलैप करेगा और हमारे पास क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। इस कार्बन का sp और इस हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल हेडर ओवरलैप करेगा और हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अब 0.12py, इस कार्बन का 2py और इस कार्बन का 2py ये आपस में साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे और पाई बॉन्ड बनाएगा। इसी तरह 2pz और 2pz ये भी साइड वाइज ओवरलैपिंग करेगा और हमारे पास क्या बताएगा, पाई बॉन्ड। तो हमारे पास इथाइन है, कितने पाई बॉन्ड होंगे, एक पाई बॉन्ड ये है और एक ये है और एक सिग्मा बॉन्ड है। तो ये हमारे पास इथाइन का स्ट्रक्चर हो जाएगा। इथाइन हमारे पास ऊपर सबसे ऊपर वाला जो हम कंसीडर करें इसको पाई बॉन्ड कंसीडर करेंगे, सबसे बॉटम वाला ये भी हमारे पास पाई बॉन्ड है, मिड में जो बॉन्ड होगा ये हमारे पास सिग्मा बॉन्ड होगा। तो इथाइन का हमारे पास स्ट्रक्चर इस तरह आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल, और इसका स्ट्रक्चर विद रिस्पेक्ट टू बॉन्ड ये हमारे पास इस तरह बन जाएगा। अब इथाइन में हमारे पास लीनियर होगा, इसमें HCC एंगल जो होगा यानी HC और C इसके दरमियान जो एंगल होगा वो हमारे पास 180 डिग्री का होगा, 180 डिग्री का होगा, और इसका शेप जो हमारे पास बनता है ये लीनियर बनेगा। तो ये हमारे पास sp हाइब्रिडाइजेशन, इसके मुताबिक डिस्कशन हो गई। अदर एग्जांपल हमारे पास और भी बहुत सारे हैं जिसमें sp ऐसे मॉलिक्यूल है जिसमें sp हाइब्रिडाइजेशन होगी। इसी तरह हमारे पास ये हाइब्रिडाइजेशन एंड एक्स टाइप, ये टॉपिक जो है यहाँ पर एंड होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और इसको शेयर करें। वसलाम।